हेलो गाइस, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं डी जूरक चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं ATI Pro CA30 का प्राइस, इसका स्पेसिफिकेशन, कितने वाट का यहां पर हम बेस लगाएंगे, जैसे कि दो बेस कितने वाट का लगाएंगे और चार बेस कितने वाट का लगाएंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी छोटा बनने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस स्पेसिफिकेशन, कितने वाट का यहाँ पर हम बेस लगाएंगे, दो बेस या फिर चार बेस। तो चलिए बात करते हैं ATI Pro CA30 से। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक चैनल में नए हैं तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डीजे से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल में। और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, या फिर वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या फिर कोई सुझाव हो, या फिर कोई क्वेश्चन हो। चलिए बात करते हैं ATI Pro CA30 से। दोस्तों, यहाँ पर हम पहले स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं, फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कितने वाट का यहाँ पर हम बेस लगाएंगे, दो बेस या फिर चार बेस, फिर हम जानेंगे इसका अप्रॉक्स प्राइस। चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पर 8 ओम में पर चैनल आउटपुट कितना दे देता है। दोस्तों, यहाँ पर 8 ओम में 1600 वाट यहाँ पर चैनल आपको आउटपुट मिल जाएगा, 4 ओम में यहाँ पर 2400 वाट पर चैनल आउटपुट, और यहाँ पर 2 ओम में 3600 वाट यहाँ पर चैनल आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ब्रिज मोड की बात करते हैं, यहाँ पर 8 ओम में आपको मिल जाएगा 4800 वाट, एंड यहाँ पर ब्रिज मोड की बात करें 4 ओम में तो यहाँ पर आपको 6400 वाट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर डंपिंग फैक्टर काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको मिल जाता है, 1000 आपको डंपिंग फैक्टर मिल जाता है इस एम्पलीफायर में। दोस्तों, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको बेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर इसका वेट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 46 kg आपको वजन जो है उठाना पड़ेगा। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वजन यहाँ पर हो सकता है आपके लिए, लेकिन काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है तो यहाँ पर वेट तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ज़्यादा वाटेज का एम्पलीफायर भी है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर दो बेस और चार बेस कितने वाट का यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर हम चलिए बात करते हैं एक एक बेस से। दोस्तों, यहाँ पर हम 8 ओम में 1600 वाट, मतलब कि 8 ओम में हमें 1600 वाट पर चैनल आउटपुट हमें दे देता है ATI Pro CA30 में। दोस्तों, यहाँ पर हम 1500 वाट का एक बेस लगाएंगे एक चैनल में, और 1500 वाट का दूसरा बेस जो है एक चैनल में हम लगाएंगे, मतलब एक एक चैनल में एक एक बेस लगाएंगे, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अगर 4 ओम में हमें चलाना हो, जैसे कि दो बेस एक चैनल में और दो बेस दूसरे चैनल में, तो हम कितने वाट का यहाँ पर हम चलाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर 4 ओम में हम आउटपुट देखें तो यहाँ पर चैनल हमें 2400 वाट यहाँ पर एम्पलीफायर है जो दे देता है। यहाँ पर हम इजीली 1200 वाट का चार बेस हम यहाँ पर इजीली वर्क करा सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको साउंड एंड आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें दोस्तों कि यहाँ पर 1500 वाट का यहाँ पर बेस चलेगा या नहीं, तो यहाँ पर आप 1500 वाट का भी चला सकते हैं, 4.5 इंची वो स्कोइल वाले या फिर AES पावर वाले, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको साउंड एंड पंच देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं चले फाइनल की इसका प्राइस कितना आपको पड़ सकता है। दोस्तों, इसका अप्रॉक्स प्राइस है 45,000 से 50,000 के बीच में लगभग। तो यहाँ पर मार्केट के हिसाब से प्राइस डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में कितना प्राइस अभी है। तो यहाँ पर अप्रॉक्स प्राइस इसका 45,000 से 50,000 लगभग में आपको ATI Pro CA30 मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल में अभी तक फिर से नए हैं, मतलब फिर बता रहा हूँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।